किसी के शरीर में 7 गोलियां दाग दी जाएं और उसकी लगभग मृत्यु हो गई हो, तब वह जीवन में कोई अप्रत्याशित सफलता पाकर दिखाए तो क्या कहिएगा। इस कहानी में चमत्कार और दैवी वरदान के विश्वास की प्रबल संभावना है। इस कहानी में ईमानदारी भी है, उसके लिए त्याग और समर्पण भी है। रिंकू राही, यह नाम यदि आपने नहीं सुना तो सुन लीजिए, याद कर लीजिए। दरअसल रिंकू राही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में वे मुजफ्फरपुर में PCS अधिकारी थे। युवा अधिकारी में नैतिकता और ईमानदारी का भूत सवार था। उसने देखा कि लगभग 100 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप घोटाला धड़ल्ले से चल रहा है। उसने इस घोटाले को उजागर किया। स्वभावतः इतनी बड़ी रकम का घोटाला सरकारी अधिकारियों और बाहरी माफिया की मिलीभगत से चल रहा था। ये सब रिंकू राही पर बौखला गए। 2009 में अपराधियों द्वारा उन्हें गोलियों से भून दिया गया। उनके शरीर में 7 गोलियां घुसी, इनमें 3 उनके चेहरे पर लगी थी। चेहरा बिगड़ गया, एक आंख चली गई और एक कान चला गया, पर रिंकू बच गए। 4 महीने अस्पताल में रहने के बाद जब वे वापस लौटे तो उन्होंने निश्चय किया कि अपनी शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। यह शक्ति माफिया बनकर फिल्मी तरीके से नहीं, प्रशासन में बेहतर स्थिति हासिल करके बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की। इस साल जब हम सब जामिया के प्रशिक्षण केंद्र से आकर UPSC में पहले 3 स्थान लेने पर श्रुति शर्मा और 2 अन्य बच्चियों की सफलता का आनंद ले रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, तब इसी के साथ 683वें स्थान पर IAS की परीक्षा पास करने वाले रिंकू राही को भुला नहीं सकते। उनकी सफलता कम प्रेरणादायी और आनंदप्रद नहीं है। रिंकू पर हत्या के इरादे से गोली चलाने वालों में 8 लोग गिरफ्तार हुए, उनमें 4 को 10-10 साल की सजा हुई। इस संघर्ष में रिंकू राही को बहुत पीड़ादायक अनुभवों से गुजरना पड़ा। उनका कहना है, मैं व्यवस्था से नहीं लड़ रहा था, व्यवस्था मुझसे लड़ रही थी। यह बात कितनी सच है आप स्वयं सोचिए कि 4 महीने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रहने का चिकित्सकीय अवकाश यानी कि मेडिकल लीव आज तक स्वीकृत नहीं हुआ। रिंकू राही अब 40 वर्ष के हैं। 15 साल पहले जब उन पर गोलियां चली थी तब वे 25 साल के थे। तब से उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकारों ने उनके साथ बेरहमी का ही बर्ताव किया। उन्हें मारने की कोशिश मायावती की बसपा सरकार के समय हुई थी। अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार ने उन्हें भ्रष्टाचार पर बहुत ज्यादा विरोध करने के नाते पागलखाने भेज दिया था। UPSC ने किसी किसी वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट दी थी। रिंकू गोली लगने के बाद विकलांग श्रेणी में आ गए, जिनके लिए UPSC में 42 वर्ष की अर्हता आयु है। इसका लाभ रिंकू राही को मिला। इस नौजवान का जीवन पहले से संघर्षपूर्ण रहा है। पिता 10 साल के थे तभी दादाजी का निधन हो गया। दादी ने किस तरह परिवार पाला होगा उसका वृत्तांत रोमांचक है। पिता पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन परिवार चलाने में दादी का साथ दिए बिना चारा नहीं था। पढ़ाई ढंग से और नियमित रूप से नहीं हो सकती थी। अपने विकास काल में रिंकू ने अनुभव किया कि अगर सरकारी अधिकारी ईमानदार हो तो गरीबों के लिए चलने वाली योजनाओं का लाभ सचमुच लोगों को प्राप्त हो सकता है। बहरहाल अब रिंकू IAS अधिकारी है। उनके साथ हुई जाति को वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, भविष्य में किसी के साथ इस तरह की अवमानना न हो उसके लिए रिंकू पूरा प्रयास करेंगे। रिंकू का जीवन प्रसंग मौत से लड़कर और फिर व्यवस्था से लड़कर अनोखी उपलब्धि का उदाहरण है। इसमें अस्तित्व और धर्म भीरु मन के लिए चमत्कारिक व्याख्या की बड़ी गुंजाइश है, लेकिन दूसरी तरफ मृत्यु को चुनौती देकर ईमानदारी के लिए संघर्ष की अदम प्रेरणा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनसाइड भारत TV।